नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी ने 5 साल बाद जारी किया इंटरमीडिएट लेवल परीक्षा का परिणाम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को जारी परीक्षा परिणाम के मुताबिक टंकन जांच परीक्षण, कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण और आशु लेखन के लिए कुल 1221 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इनमें टंकन जांच परीक्षण के लिए 940 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। वहीं कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण के लिए 214 अभ्यर्थियों और आशु लेखन के लिए 67 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है। जेएसएससी की ओर से बताया गया है कि तीनों श्रेणियों में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को अब कौशल परीक्षण से गुजरना होगा। इनमें भी मानक तय किए गए हैं। बता दें, टंकन जांच परीक्षण के लिए हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से करनी होगी। वहीं 10 मिनट के भीतर 250 शब्द टाइप करने होंगे। इनमें 2% से ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। अगर टाइपिंग में 2% से ज़्यादा गलती हुई तो अभ्यर्थी को फेल घोषित कर दिया जाएगा। रांची के मोराबादी में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल का निरीक्षण करने के दौरान रांची के मोराबादी मैदान में डीसी राहुल कुमार सिन्हा के अलावा वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक नगर नौशाद आलम समेत अन्य पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। बता दें, रांची के मोराबादी मैदान का नजारा इन दिनों बदला बदला सा है। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की जा रही है। शनिवार को रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल समेत अन्य पदाधिकारी मोराबादी मैदान पहुंचे। डीसी व एसएसपी ने परेड का निरीक्षण के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। झारखंड में छाती का एक्सरे हुआ तो होगी टीबी जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को साल 2025 तक टीबी मुक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। ऐसे में झारखंड में भी टीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के मरीज की पहचान हो, इसके लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्य में अब हर व्यक्ति का ट्रू नेट या सीबी नेट जांच का फैसला लिया गया है, जिनसे किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर छाती का एक्सरे कराएंगे। इसके लिए सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों और एक्सरे सेंटर को निर्देश भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, टीबी की बीमारी की तरह ही राज्य में अब चेस्ट के एक्सरे को भी नेटिफाइड किया जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ है कि निजी या सरकारी स्तर पर अगर किसी भी मरीज का छाती का एक्सरे कराया जाता है तो उसकी रिपोर्ट और जानकारी स्वास्थ्य मुख्यालय और NTEP को साझा करना जरूरी होगा। जेटेट पास अभ्यर्थियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। गैर पारा 2016 जेटेट सफल अभ्यर्थी संघ के सदस्यों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मिलकर राज्य के 4000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि नई नीति में कई विसंगतियाँ हैं। न हमें सहायक शिक्षक का दर्जा मिलेगा, न ही वेतन। वर्ष 2012 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 2016 जेटेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर पारा शिक्षक गैर पारा जेटेट सफल अभ्यर्थी संघ के प्रतिनिधियों ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय रांची में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान सदस्यों ने राज्य के वर्ष 2016 जेटेट पास 1,04,000 अभ्यर्थियों का भविष्य बचाने का आग्रह किया। झारखंड में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू। झारखंड सरकार ने शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल सरकार शिक्षकों की बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर कर रही है। बता दें, 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के बाद शिक्षक क्या करेंगे, इसी को लेकर सभी सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। नियोजन नीति रद्द होने के बाद राज्य सरकार डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। इसके तहत राज्य भर में एक बार फिर नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की गई है। जानकारी के मुताबिक सरकार के द्वारा हाईकोर्ट से नियोजन नीति में संशोधन को लेकर दिए गए निर्देश के अनुरूप फैसला लेने की तैयारी की जा रही है। इन सब के बीच शिक्षा विभाग ने इन दिनों कॉन्ट्रैक्ट पर 11 महीने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करने में जुटी हुई है। लातेहार से जेपीसी का सरगना समेत 4 उग्रवादी हथियार के साथ अरेस्ट। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के मालहन गांव से जेपीसी उग्रवादी का सरगना अनुज कुमार यादव समेत 4 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से पुलिस ने 2 लोडेड देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली व 2 मोबाइल बरामद किया है।
गिरफ्तार नक्सली इससे पहले विवादात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। बता दें लातेहार के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया है कि चंदवा थाना क्षेत्र के केंदुआ टांड स्थित बेंचिंग प्लांट में 16 जनवरी की रात पतरातू से सोनानगर तक बन रही रेलवे की थर्ड लाइन में जेपीसी उग्रवादियों के द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। गुमला में जंगली सुअर से भिड़ी बहादुर महिला। जंगली सुअर ने जब पति पर हमला किया तो पति की जान बचाने के लिए पत्नी सुअर से भिड़ गई। बता दें काफी मकसद के बाद पत्नी सुअर को भगाने में सफल रही, परंतु भगाते समय सुअर ने पति के हाथ व पैर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। उसे गंभीर अवस्था में गुमला सदर अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया। यह मामला गुमला जिला के जारी थाना क्षेत्र के पाकरडीह गाँव का है। पाकरडीह निवासी 40 वर्षीय शंकर खेरवार को एक जंगली सुअर ने काट कर घायल कर दिया। सुअर ने शंकर के पैर व हाथ में नोच लिया है। फर्जी पारा शिक्षकों से होगी मानदेय की वसूली। झारखंड के पारा शिक्षकों सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। इसमें कई पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। राज्य सरकार ने ऐसे पारा शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनसे मानदेय वसूली का निर्णय लिया है। बता दें इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को कार्रवाई करते हुए 31 जनवरी तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। राज्य में 61,000 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच की प्रक्रिया चल रही है। इसकी तारीख में कई बार बढ़ोतरी की गई। अभी भी करीब 8,000 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जाँच नहीं हो पाई है। राहुल गांधी के खिलाफ रांची कोर्ट से नोटिस जारी। रांची सिविल कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने वर्ष 2018 के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने नोटिस जारी किया और सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। बता दें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी के मामले में शनिवार को रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। रांची सिविल कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की रिपोर्ट ने राहुल गांधी को वर्ष 2018 से जुड़े एक मामले में नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता नवीन झा के अधिवक्ता विनोद साहू ने बताया है कि राहुल गांधी को सिविल कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना था, लेकिन राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों में भरा रहा आत्मविश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शनिवार को रांची के सरला बिरला स्कूल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आर्ट ऑफ पेंटिंग प्रतियोगिता हुई। स्कूल परिसर में 16 विद्यालयों के 934 विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने स्कूली बच्चों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि 2018 से परीक्षा पे कार्यक्रम के रूप में पीएम मोदी ने एक नया और बेहतर कार्यक्रम शुरू किया है। यह विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त दिलाने में सहायता कर रहा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने बच्चों को आत्मविश्वास का संचार किया है। मौके पर विशिष्ट अतिथि भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा भी उपस्थित थे। संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने दिया धरना। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर शनिवार को राजभवन के समक्ष धरना दिया। शिक्षकों ने समस्याएं बताते हुए सरकार से समाधान की मांग की है। शिक्षकों ने कहा है कि छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप उत्क्रमित वेतन मान से संबंधित फिटमेट टेबल के आधार पर 2006 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण अब तक नहीं किया गया। इससे शिक्षकों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों को MACP का लाभ अब तक नहीं दिया गया। शिक्षकों ने कहा है कि राज्य के शिक्षकों की सेवा शर्तों के अनुरूप वर्षों से प्रधानाध्यापक सहित सभी ग्रेडों में प्रोन्नति लंबित रहने के कारण लगभग सभी मध्य विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन हो चुके हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण बाधित हो रही है। अबेकस परीक्षा में 5 मिनट में 125 प्रश्नों का हल करने का चैलेंज। झारखंड स्टेट SIP अबेकस प्रतियोगिता रविवार को टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होगी। इसमें राज्य भर से लगभग 2000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में रांची, जमशेदपुर, रामगढ़, हजारीबाग, झुमरी, तिलैया, बोकारो, चास, धनबाद, डाल्टनगंज, खुट्टी, देवघर, मधुपुर आदि क्षेत्रों के 62 SIP अबेकस लर्निंग सेंटरों के छात्र भाग लेंगे। ये छात्र SIP अबेकस और मानसिक अंक गणितीय कौशल पर प्रतिस्पर्धा करेंगे।
इन्हें 125 प्रश्नों को हल करने के लिए केवल 5 मिनट का समय मिलेगा। शनिवार की इसकी जानकारी एसआईपी अपेक्स के झारखंड प्रमुख इकबाल सिंह होरो ने दी है। 26 जनवरी को लॉन्च होगी कोरोना की पहली नेजल वैक्सीन। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब जल्द ही एक और सफलता मिलने जा रही है। भारत में डेवलप की गई पहली नेजल वैक्सीन 26 जनवरी को लॉन्च होने जा रही है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। बता दें, इस वैक्सीन का नाम इनकोवैक रखा गया है। इस बात की पुष्टि भारत बायोटेक के मैनेजमेंट डायरेक्टर कृष्णा इल्ला ने की है। वह भोपाल में आयोजित इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के दौरान बच्चों से चर्चा कर रहे थे। अनुसूचित जाति अधिकार महारैली 14 मार्च को। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा की बैठक शनिवार को करमटोली स्थित प्रेस क्लब में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आरपी रंजन ने कहा है कि झारखंड सरकार अनुसूचित जाति विरोधी है, इसलिए इस मानसिकता के विरोध में राज्य स्तरीय सम्मेलन किया जाएगा। 14 मार्च को अनुसूचित जाति अधिकार महारैली रांची में की जाएगी। झारखंड के एसीसी समुदाय को शासन प्रशासन द्वारा दरकिनार किया जा रहा है। वर्तमान समय में सरकार आयोग तथा बोर्ड निगम में अनुसूचित जाति के लोगों को दरकिनार कर रही है। संघ के उपाध्यक्ष राजकिशोर राम ने कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा घोषित अनुबंधित कर्मियों को नियमित किया जाए, आरक्षण रोस्टर को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, झारखंड के मूल निवासियों के साथ धोखा देना बंद किया जाए। हजारीबाग के कारोबारियों को धमकी भरा मैसेज भेजने वाला पति पत्नी समेत 3 पीएलएफआई नक्सली अरेस्ट। हजारीबाग जिले के चौपारण में पत्रकार एवं व्यवसायियों के व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजने के आरोप में पुलिस ने खूंटी जिले से पति पत्नी सहित 3 पीएलएफआई नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में छोटी टोपनो, बीजू मुंडा एवं प्रभुदान कुंडला खूंटी शामिल हैं। रांची व खुट्टी में इनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं। डीएसपी नाजिर अख्तर ने पत्रकारों को यह जानकारी दी है। कृषि मंत्री बादल ने झारखंड के 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार का किया शुभारंभ। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शनिवार को रांची जिले के नगरी स्थित राज्य स्तरीय जल छाजन केंद्र में जल संरक्षण से जुड़ी 467,32,88,380 रुपए की योजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए आज का दिन झारखंड के इतिहास में बहुत खास है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के सभी जिलों के प्रखंडों में तालाब जीर्णोद्धार और पर्कोलेशन की योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 24 जिलों के सभी प्रखंडों में 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार और 2795 पर्कोलेशन के निर्माण के शुभारंभ के साथ ही पूरे राज्य में जल संरक्षण की मजबूत बुनियादी रखने का प्रयास सरकार कर रही है। गुमला में कस्तूरबा स्कूल की 8वीं की छात्रा मां बनी। झारखंड के गुमला जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली 8वीं की छात्रा मां बनी है। बता दें, 15 साल की छात्रा ने शुक्रवार की रात करीब 8:15 पर गुमला सदर अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया। नाबालिग छात्रा के मां बनने की खबर के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। छात्रा के बयान पर गुमला सदर थाना में केस दर्ज हो गया है। नाबालिग को मां बनाने वाला सख्त सत्यार्थी साय है, जो अंजना मरवा गांव का निवासी है। वह रिश्ते में छात्रा का चाचा लगता है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मिड डे मील में स्कूलों को देनी होगी प्रबंधन और मूल्यांकन की आधी राशि। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग तथा इवेल्युएशन मद में मिलने वाली राशि में आधी राशि अनिवार्य रूप से स्कूलों को दी जाएगी। इस राशि का खर्च स्कूल स्तर पर ही योजना के प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन में होगा। शेष आधी राशि राज्य, जिला व प्रखंड स्तर के कार्यालयों के बीच बांटी जाएगी। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, जिला शिक्षा अधीक्षक तथा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय में क्रमशः इस राशि का उपयोग हो सकेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी गाइडलाइन में इसका सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश राज्य के स्कूली शिक्षा एवं सक्षरता विभाग को दिए हैं। सरकार गिराने की साजिश मामले में 3 एमएलए को दूसरा समन। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार गिराने की साजिश रचने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने कांग्रेस के 3 ही विधायकों को पूछताछ के लिए दूसरा समन भेज दिया है।
अब जामताड़ा के कांग्रेसी विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को पूछताछ के लिए 6 फरवरी को बुलाया गया। वहीं 7 फरवरी को खिजरी के विधायक राजेश कक्षप व 8 फरवरी को कोलेबीरा के विधायक नमन बिक्सन कोगाड़ी को पूछताछ के लिए ईडी ने रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। दुमका में अनुबंध चिकित्सा कर्मियों की हड़ताल जारी। सेवानिवृत्तीकरण की मांग पर झारखंड राज्य NRHM ANM GNM में अनुबंध कर्मियों के लगातार 5वें दिन की हड़ताल से जिले में चिकित्सा सेवा प्रभावित हो गई है। रोगियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इधर संघ की राज्य संयुक्त सचिव सह जिला अध्यक्ष विनीता कुमारी ने कहा है कि 16 साल से अहिर्निश सेवा देने के बाद भी राज्य सरकार अनुबंध चिकित्सा कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सरैया हाट में अनुबंध कर्मियों की हड़ताल से प्रखंड क्षेत्र में टीकाकरण भी प्रभावित हो गया है। देवघर से नकली शराब से भरी 342 बोतलें जब्त। झारखंड के देवघर जिले में अवैध व नकली शराब के कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। कुंडा थाना क्षेत्र के कर्णकोल मोड़ के पास उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इस अपराध में लिप्त 2 युवकों को पकड़ा है। दोनों आरोपित अमित कुमार आर्या व अमर कुमार वल्द बिहार के खगड़िया जिला के चौथम थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के रहने वाले हैं। वहीं अन्य आरोपित सुभाष कुमार यादव, अरुण कुमार यादव व अन्य मौके से भाग निकलने में कामयाब रहे। उनके पास से 342 बोतल नकली शराब बरामद की गई है। बरामद शराब 117 लीटर है। अंतर्राज्यीय बाइक चोरी गैंग के सरगना सहित 2 गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोरी करने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना खरनी बरवाडा निवासी नंद किशोर चौधरी व करमटांड जामताड़ा निवासी बकरीद मियां को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके निशानदेही पर धनबाद जामताड़ा व देवघर में अलग अलग जगह पर 11 बाइक व चाबियों का गुच्छा बरामद किया है। शनिवार को SSP संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बरवाडा से नंद किशोर चौधरी को पकड़ा था। इसी पर पहले से भी जिले के अलग अलग थानों में बाइक चोरी सहित दूसरे आपराधिक मामले दर्ज हैं। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने कृषि विधेयक का किया विरोध। झारखंड के व्यवसायियों ने झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक का विरोध किया है। व्यवसायियों ने कृषि शुल्क को डबल टैक्सेबल बताया है। इसके विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक शिष्टमंडल अध्यक्ष किशोर मंत्री के नेतृत्व में शनिवार को राज्यपाल रमेश बैस से मिला और इस पर जल्द पहल करने का आग्रह किया है। बता दें, झारखंड में कृषि शुल्क विधेयक का विरोध तेज हो गया है। राज्य के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के विरोध के बीच चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक शिष्टमंडल अध्यक्ष किशोर मंत्री के नेतृत्व में शनिवार को राज्यपाल रमेश बैस से मिला है। रांची में पहुंची कोविशील्ड की मात्र 3500 खुराक। कोरोना से बचाव का टीका कोविशील्ड झारखंड के किसी भी जिले में नहीं था। करीब 3 माह से टीका आउट ऑफ स्टॉक था। 3 दिन पहले जिले को कोविशील्ड की खुराक मिली है, लेकिन टीके के डोज बिल्कुल सीमित मात्रा में दी गई है। झारखंड में वर्तमान में लाखों की डोज की मांग है। करीब 7 लाख लोगों ने दूसरा व 15 लाख के करीब लोगों ने रांची में कोविशील्ड का तीसरा डोज नहीं लिया है। ऐसे में केंद्र से राज्यों को बीते दिनों टीके भेजे गए, जिसके बाद राजधानी रांची को मात्र 3500 डोज दिए गए हैं। अगर लोग सही संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंचे तो 3500 डोज 2 से 3 दिन में भी नहीं चलेंगे। 13वां सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 15 से 26 फरवरी तक 13वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 17 जनवरी को सीनियर झारखंड महिला हॉकी टीम का ट्रायल हुआ था, जिसमें झारखंड के 29 खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित इन 29 खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण शिविर 25 जनवरी से रांची में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि विशेष प्रशिक्षण शिविर 1 सप्ताह तक चलेगा। इसके बाद खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट होने के बाद 12 दिन का विशेष कैंप होगा। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।